नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे गरारा बनाना। तो चलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा मेजरमेंट इसमें करते हैं वो समझ लेते हैं। तो एक है हमारा हिप का नाप लिया जाएगा और एक हम क्रॉच का नाप लेते हैं और एक लंबाई लेते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसे आपका 44 इंच हिप है तो इसी हिसाब से लीजिएगा। 44 का चौथा भाग हम यूज करते हैं। तो 44 हमारा कहाँ पे आ रहा है हम देखेंगे। तो आपका ऐसा कोई भी नाप रहेगा, अगर आपका 40 इंच है तो उसका आपको चौथा भाग निकालना है। तो ये हमारा 44 इंच है, आपका कोई भी नाप रहे तो उसका आपको चौथा भाग लेना है। तो ये देखिए हमारा हिप 44 का चौथा भाग कितना आता है वो देखेंगे हम। तो हमारा चौथा भाग आ रहा है 11 इंच। तो ये देखिए 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो ये कपड़ा जो है हमने फोल्ड किया है, ये देखिए दोनों तरफ हमारा इधर फोल्ड है और इस तरफ से हमारा ये चार कपड़ा दिख रहा है, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको कपड़ा लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेल्ट का निशान लगा देंगे। तो हम बेल्ट इसी में बनाने वाले हैं। तो अगर आपका जैसे सिंगल कपड़ा है इस तरफ से है, ये देखिए, तो हम ऐसे में 5 इंच का लंबाई लेंगे, इस तरफ से चौड़ाई में 5 इंच लेंगे। तो 5 इंच लेंगे तो ऐसा हम आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 2 इंच में हमारा बेल्ट तैयार होगा। तो ये हमारा जो कपड़ा है इसको हमने फोल्ड किया है, तो इसके लिए हम यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच अपना सिलाई में जाएगा और 2 इंच अपना बेल्ट तैयार होगा। तो सबसे पहले हम बेल्ट निकाल देंगे, फिर इसके बाद हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इसी में हम फोल्ड करने वाले हैं। ये देखिए अब यहाँ से हम पहले सीधा लाइन खींच देंगे। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच पे, ये देखिए यहाँ पे 2 इंच हमारा तैयार होगा, यहाँ पे सिलाई जाएगा 1/2 इंच। अब हम लंबाई इसका हम चौथा भाग देखेंगे हिप का। तो हिप हमारा 44 इंच है, 44 का हमारा 11 इंच आएगा। तो 11 इंच पे हम पहले निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगा दिए, ये 44 का चौथा भाग है। तो यहाँ पे हमने 11 इंच पे निशान लगा दिए। इसी तरह अगर आपका 32 इंच का है तो आपको 8 इंच लेना है, अगर 36 इंच का है तो आपको 9 इंच लेना है, अगर आपका 42 इंच का है तो 10.5, अगर 30 इंच का है तो आपको 7.5। इसी तरह आपको मेजरमेंट ले लेना है। ये अपना फिटिंग नाप है, देखिए चौथा भाग है। अब इसमें हमको 2+ करना है, तो हम यहाँ से 2+ करेंगे, 2 इंच आपको बढ़ा के लेना है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरफ से। अब चलते हैं हम क्रॉच की तरफ। तो जैसे हमारा 44 इंच का हिप है तो 44 का तीसरा भाग इसमें हम भाग करते हैं, तो तीसरा भाग हमारा 14.5 इंच आएगा, 44 का है ये देखिए। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा लें। अगर आपका 32 इंच का है तो आपका तीसरा भाग 10.5 इंच आएगा, अगर आपका 36 इंच का है तो आपका 12 इंच आएगा, अगर आपका 42 इंच का है तो आपका 14 इंच आएगा ये क्रॉच, और 30 इंच का है तो आपका 10 इंच आएगा यहाँ पे। तो इसी तरह आपको तीसरा भाग करना, जब हम क्रॉच निकालते हैं तो आपको तीसरा भाग लेना है। अगर हिप का ये निकालते हैं, मतलब इसको हम चौथा भाग लेते हैं यहाँ पे कमर के तरफ से, और जब भी हम क्रॉच निकालते हैं तो तीसरा भाग यूज करते हैं। तो चलिए हमारा 44 का है, 14.5 इंच पे हम निशान लगाए हैं। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2 इंच यहाँ पे हम एक क्रॉच को शेप देने के लिए यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे इस तरफ से। तो हमको यहाँ से इसको शेप दे देना है एक क्रॉच का, तो यहाँ से हम शेप दे देंगे ये देखिए। अब यहाँ से हम घुटना लेंगे कमर से, तो एक घुटना हमारा जो है 20 इंच पे है, कमर से हमारा घुटना 20 इंच पे है, तो हम यहाँ से 21 इंच पे लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई जाएगा, 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा, तो हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे ये देखिए। तो यहाँ पे हम 21 इंच पे निशान लगा दिए, ये लाइन को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। तो हम देखते हैं 35 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ कमर से आपको लेना है, क्योंकि हम बेल्ट के लिए छोड़े हैं, ये यहाँ से नहीं लेना है हमको यहाँ से। तो ये देखिए हमारा 20 पे घुटना आ रहा है, तो हमने 21 इंच पे लिए हैं, 21 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमारा 35 इंच कहाँ पे आ रहा है, हम वहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे
तो 35 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि माप होल्ड में भी जाएगा। यहाँ पे हमारा 37 इंच आ रहा है, हमने 2 इंच बढ़ा के लिए, 35 इंच हमारा रेडी है। तो यहाँ पे हम 1 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा के लिए थे, तो यहाँ पे हम 37 इंच ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 21 इंच आया था, यहाँ पे हम पहले कट करेंगे। यहाँ पे कट करने के बाद ये जो हमारा ये पूरा कपड़ा हम लेंगे, यहाँ पे हमको चुन देना, प्लेट से देना है। तो इसके लिए ये कपड़े हम पूरा ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये 37 इंच का निशान लग चुका है, यहाँ पे हम लगा दिए हैं और ये कपड़े को हमने पूरा ले लिया क्योंकि इसमें हमको प्लेट से देना है, इस तरफ से चुन देना है। तो ये जो घुटना हमारा यहाँ पे है 21 इंच पे है, तो यहाँ पे उसका घुटना का जो राउंड होता है ना इस तरफ से, तो ये 16 इंच है इस तरफ से राउंड, तो 16 का हाफ हमारा 8 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरफ से। तो ये 8 इंच पे हमारा निशान लग गया, इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये देखिए 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम इस तरफ से शेप दे देंगे, जहाँ हमारा क्रॉच ख़त्म होता है यहाँ से, तो इस तरफ से हम शेप दे देंगे, ये देखिए। और ये जो प्लेट्स हमने यहाँ पे पूरा कपड़ा ले लिए हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसा प्लेट्स हमारा इस पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले एक बार हम समझ लेंगे। तो जो फुल लेंथ हमारी है 35 इंच पे रेडी है। तो यहाँ से देखिए हम निशान लग, यहाँ से बेल्ट पकड़ के हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो ये आपको मैं हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच छोड़े थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 1 इंच सिलाई जाएगा, आधा आधा इंच। और यहाँ पे जो घुटना है हमारा, तो 20 इंच पे रेडी है, तो हमने 21 इंच पे लिए यहाँ पे, तो हमारा आधा आधा इंच यहाँ पे सिलाई जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2 इंच जो फोल्ड में जाएगा, तो इसलिए हमारा 35 इंच में हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। तो यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 1 इंच जाएगा, यहाँ पे 1 इंच, तो अपना 1 इंच आपका यहाँ वहाँ पे सिलाई कम ज़्यादा हो जाता था, इसलिए हमने मार्जिन 5 इंच रख लिए हैं। अब आपको हम बताएंगे कैसे ये मेजरमेंट किए हैं। तो जो हमारा सीट का होता है, हिप का, हिप हमारा जो है 44 इंच का, हमारा यहाँ पे चौथा भाग हमने लिए हैं, तो चौथा भाग हमारा यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच पे हमने 2 इंच निशान लगा दिए हैं, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखे हैं, ये देखिए। तो आपका हिप जितना रहेगा, आपको उसी तरह चौथा भाग लेके और 2 इंच पे निशान लगा देना है मार्जिन रख के। और ये जो क्रॉच है, तो हमने कैसा 44 का 14.5 इंच हमारा तीसरा भाग में आया है, तो आपको तीसरा भाग लेना है। आपका जितना रहेगा उसी हिसाब से, हिप के हिसाब से लेना है, हिप आपका कितना है उसी हिसाब से आपको तीसरा भाग का लेना है। और यहाँ पे हम 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख के इसको शेप दिए हैं, ठीक है। अभी हम समझ लिए, अब हम घुटना समझेंगे। तो ये जो है कमर से घुटना लिया जाता है, तो आपका कमर से जो घुटना जितना भी आएगा आपको उतना लेना है। तो जैसे हमारा ये कमर से घुटना कितना आया, 20 इंच पे रेडी था, तो हमने 1 इंच बढ़ा के लिए क्योंकि आधा आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो आपका कमर से घुटना जितना भी आएगा, 19 आया या 20 आया या 18 आया, तो आपको 1 इंच जैसा मार्जिन रख के निशान लगा लेना है। तो ये जो घुटना होता है, तो घुटने में हम इसका राउंड में लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ऐसा आपका राउंड में कितना आता है हाफ आपको लेना है। तो इसी तरह हमारा ये जैसे जो घुटना है 16 इंच है, तो 16 का हाफ हमारा 8 इंच आया, तो हमने 2 इंच मार्जिन रखा। तो जो हमारा ये क्रॉच है, तो इसमें हमने मिला दिए यहाँ पे, शेप दे दिए। और यहाँ पे जो हम गरारा बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको कपड़े यहाँ पे चुन देने के लिए ज़्यादा कपड़े लगेंगे, तो इसके लिए हमने ये पूरा यहाँ पे ले लिए हैं। तो अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बेल्ट की तरफ से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर एक हम निशान लगा देंगे ताकि हमको मालूम पड़े कि यहाँ पर हमारा ये बेल्ट है, ये देखिए। अब यहाँ से हमको शेप देते हुए, तो ये हमारा यहाँ पे घुटने की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ये फिटिंग आया है, यहाँ पे एक हम कट लगा देते हैं और 2 इंच हमने मार्जिन रखे थे। तो इस तरफ से आपको क्रॉस में, ये देखिए ये हमारा कट गया है। अब इसके लिए गरारा के लिए हम कपड़ा यहाँ से लेंगे, ये पूरा ले लेंगे क्योंकि हमको प्लेट से देना है। तो देखिए हमने कटिंग कर लिए हैं और ये हम गरारा बनाने के लिए यहाँ से ऐसा चुन देंगे, इसलिए हम कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ पे। तो अब चलिए हम स्टिचिंग करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉच को निशान लगा लेंगे। तो एक भाग हम इसमें सिलेंगे और एक भाग इस पार्ट सिलेंगे। तो दोनों पार्ट में से हमने एक एक लिया है, ये देखिए, और दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरफ से। इसी तरह हमको दूसरा भी लगा लेना है। तो देखिए इसमें हमने क्रॉस लगा लिए हैं, दोनों डबल सिलाई हमने कर लिए हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे, इस तरफ से रखेंगे और इस तरफ से ये भाग और ये भाग दोनों पार्ट को हम ले लेंगे। दोनों पार्ट को लेके फिर से इस जैसे हमने पहला वाला किए, इस तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इधर हमने किए, अब इसी तरह दूसरा कर, देख के आपको करना है, उल्टा सीधा ना हो जाए। इधर उल्टा है तो ये भी उल्टे में ही आएगा इस तरफ से। तो देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई हमारा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये बेल्ट का जो है इसको हम एक बार फोल्ड करके सिल लेंगे। फिर इसके बाद हमको 2 इंच का जो हम पट्टी इसमें डालेंगे इलास्टिक, तो इसके लिए हम एक तरफ सिल लेंगे। तो देखिए हमने एक तरफ से फोल्ड कर लिए हैं, अब इसको हम 2 इंच के लगभग इस तरफ से सिलाई करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इतना छोड़ देंगे इलास्टिक डाल के हम, तो इसको फिर हम पैक कर देंगे। तो यहाँ पे हम मशीन को रिवर्स लेके बंद कर देंगे। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हमको डालना है, तो इलास्टिक में हम क्या करेंगे, जो हमारा हिप था 44 इंच था, तो 44 में हम 5 इंच कम करेंगे तो हम 39 इंच लेंगे। तो यहाँ से हमको नाप लेना है, 39 हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह आप कोई भी साइज का बनाइए, तो आपको 5 इंच इलास्टिक कम करना है। तो यहाँ पे हमारा ये 39 है, तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे निशान लगा के। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इतना बड़ा इलास्टिक हमारा इसमें लगेगा। अब इसको हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए हमने सेफ्टी पिन के सहारे से इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हमने जो थोड़ा छोड़ा था 2 इंच के लगभग, तो इसके अंदर से हम डाल के इलास्टिक यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक निकल गया है, निकाल लिए हम। अब इसको हम जॉइंट कर देंगे। अब ये देखिए इलास्टिक को हमने ये दोनों को इस पर जॉइंट कर देंगे इस तरफ रख के। तो अच्छे से रख लेना है आपको, और आपको ये भी देखना है ये घूमे ना, एकदम से ऐसा देख सीधा सीधा आना चाहिए इस तरफ से, और आप ऐसा वैसा मत करना, एकदम सीधा आपको रखना है इस तरफ से। अब ये इलास्टिक हमको इसको हम सिल लिए हैं, अब इसको हम अंदर डाल देंगे और ये जो हम इसको पैक कर देंगे। अब इसके बीच से हम एक सिलाई लगा लेंगे ये इलास्टिक, ताकि हमारा ये कपड़े में पकड़े रहे तो अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए आप
ये जो बहुत ज़रूरी बात आपको बता रही हूँ, अगर ये आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये पलटी खा जाएगा, ये इलास्टिक जो है गोल हो जाएगा। तो आप एक सिलाई लगाए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम एक डिश से सिलाई लगा लेंगे, इसको ऐसा खींच के आपको सिलाई देना है। तो देखिए हमारा ये इलास्टिक लग चुका है, तो इसी तरह इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा इलास्टिक हमारा लग चुका है इस तरफ से। अब हम इस पर यहाँ पे प्लेट से देंगे, जो हमने बेल्ट काटे थे ये घुटना के इधर से आपको प्लेट से देना है। तो इसके लिए हमने क्या किए हैं, ये हम घुटना से जो कटिंग किए थे तो ये एक तरफ हमने फोल्ड करके सिलाई कर ली, इसी तरह आपको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्टिंग से ये देखिए यहाँ से, तो आपको यहाँ से प्लेट से देके यहाँ पे चुन देके लगाना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्रॉच लगा लिए सेंटर से, और फिर इस तरफ दोनों तरफ हमने क्रॉच लगा लिए, और इसके बाद हमने क्या किए, ये बेल्ट तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा ये सेंटर आता है, तो यहाँ से हम जो निशान लगाए थे गरारा के लिए प्लेट्स देने के लिए, ये देखिए तो क्रॉस से हमने यहाँ तक लिए थे, तो हमारा घुटना यहाँ पे ख़त्म होता है कमर से लेके। तो यहाँ से हम अब प्लेट्स लगाएंगे, ये जो हम कटिंग किए थे बाकी कपड़े, इसके नीचे का कपड़ा जो था हमारा, अब इसमें हम ये प्लेट्स देंगे। तो प्लेट्स देने के लिए हमने क्या किए, नीचे से फोल्ड कर लिए पहले ही, तो इसी तरह आपको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से आपको इस सेंटर से एक घुटना का जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे घुटना हमारा आता है, तो यहाँ से हमको ये प्लेट्स देना है इस तरफ से। अब हम आपको प्लेट्स लगाना बताएंगे। तो देखिए हमने ये कपड़े को सीधा रखे हैं, ये जो हमारा क्रॉच है यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो हमारा ये आता है घुटना, यहाँ से हमने सेप दिए थे घुटना का यहाँ पे राउंड में, तो यहाँ से ये सीधा हमने रख लिए कपड़े को। और ये देखिए ये जो फोल्ड किए थे सिलाई किए थे, तो इसको भी हम सीधा, तो ये दोनों हमारा सीधा है आमने सामने है, तो ये यहाँ पे उल्टा है और इस तरफ उल्टा है। अब यहाँ से हम प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा चुन दे के यहाँ पे सिलाई करना है, तो इस तरह से हमको चुन देना है, ये देखिए। तो इस तरफ से हम चुन देते हुए लगा लेंगे। ये देखिए हमारा प्लेट्स यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स दे दिए हैं। अब यहाँ से जो बाकी कपड़ा बचा है इसको हम कटिंग करेंगे, अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरफ से हमने प्लेट्स दे दिए हैं, अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं इसी तरह हमारा ये गरारा बनता है प्लेट्स दे के। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस पे एक दाब सिलाई लगा लिए हैं, अब इसके ऊपर हम एक लैस लगा लेंगे इस यहाँ से, तो जितना बड़ा हमको चाहिए हम उतना कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा ये लैस लग के तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरा भी पैर का लगा लिए हैं। इसको पहले हमने क्या किया, प्लेट्स दिए, फिर इसके बाद दाब सिलाई लगाए, इसके ऊपर फिर एक लैस लगा दिए और इसी तरह हमारा दोनों पैर का तैयार हो गया है। अब इसको हम पलटी करके जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक क्रॉच का सेंटर है, तो इस सेंटर पे हम पकड़ेंगे यहाँ से और इसको यहाँ से ये लैस को बराबर कर लेंगे हम दोनों पॉइंट को, और इसी तरह हम ये भाग को भी। ये देखिए ये हमारा नीचे का भाग है, मोहड़ी है, और यहाँ पे हमने लैस का सेंटर लिए और ये हमारा क्रॉच का है। तो इसी तरह हमको सिलाई कर लेना है। तो आपको इसी तरह सेंटर पे लेके सिलाई करना है। इसका सेंटर हमने मोहड़ी का यहाँ पे लिया और फिर लेस का यहाँ पे लिया, अभी हमारा क्रॉच का सेंटर आया। तो आपको इसी तरह मिला मिला के कटिंग कैसा फिटिंग हुआ तो सेंटर भी फिटिंग में आएगा। इसको हम एक बार और डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए सिलाई को एक बार। तो देखिए हमारा ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे यहाँ से सेंटर लिया लेस के पर तरफ, लेस से फिर हमने क्रॉच का सेंटर लिया, फिर इस तरफ से, तो हम सेंटर सेंटर लेके किए तो हमारा ये फिटिंग हो गया। तो ये देखिए हमारा गरारा बन के तैयार हो गया है। दोस्तों आप भी गरारा बनाइए और बना के हमें कमेंट कीजिए और कैसा बना कैसा नहीं बना, और कुछ डाउट है तो हम आपको बताएंगे, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। समझे सीखे सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।